रिक्वेस्ट किया हुआ था श्री कल्याण चुबे जी और सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर शाहजी प्रभाकरण जी को हमने रिक्वेस्ट किया हुआ था यहाँ पे आने के लिए। एक जमाने था जब जम्मू कश्मीर के बहुत बच्चे J&K बैंक की तरफ से ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट खेला करता था और इनके एक कुदरती देन है जो कि फिजिकल स्ट्रक्चर एक एथलीट बिल्ड है। इनमें 6 फीट प्लस लड़के जो है कि जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। आपको ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट साहब ने ऊपर खुद ही कहा कि मैं विलेज लेवल में क्या करना चाहता हूं। उन्होंने आपको ये भी कहा कि आप मुझे 6 फुट 1 इंच के लड़के दे दो, 150 लड़के दे दो, मैं उनको खुद ही ग्रूम करूंगा, खुद ही ये करूंगा, खुद ही उनका सब कुछ करूंगा, तो उससे ज़्यादा बढ़ के मैं और अब क्या कह सकता हूँ। उन्होंने खुद कहा, प्रेसिडेंट साहब थे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के, इसने आपको वादा किया 170 कोचेज 170 रेफरीज मैं आपको दूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कश्मीर क्रमण के देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। मेरे साथ जगफा के चेयरमैन साहब बैठे हुए। सर, फुटबॉल हिस्ट्री में पहली बार हुआ है जब AIFF के जनरल सेक्रेटरी साहब और प्रेसिडेंट साहब यहाँ पे आने की क्या खास वजह थी? एक्चुअली हमने इनको रिक्वेस्ट किया हुआ था श्री कल्याण चुबे जी और सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर शाहजी प्रभाकरण जी को हमने रिक्वेस्ट किया हुआ था यहाँ पे आने के लिए। आपको पता ही होगा कि यहाँ पे हमारे 26 में से 25 इलेक्शन हुए और एक इलेक्शन जम्मू का पेंडिंग था और यहाँ पे एक्टिविटीज़ रुकी हुई है। उस मसले में ये यहाँ पे आए थे, इनने पहली बार इन्होंने इस धरती पे कदम रखा, इनको ये खुद देखना था, सारे स्टेक होल्डर से ये मिले, जिसमें मुझे नहीं लगता था कोई स्टेक होल्डर एब्सेंट था। आपने खुद अपने कैमरा में कलम बंद किया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से चुन के जो प्रेसिडेंट साहिबान आए हुए थे वो कभी नहीं फुटबॉल में बाधा चाहते हैं, वो हमेशा प्रोग्रेस फुटबॉल में चाहते हैं। और जो सेक्रेटरी जनरल और जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने खुद कहा कि मैं क्या J&K के लिए करना चाहता हूँ। अब ये क्लियर कट सिग्नल है, मैसेज है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फाइन, हमको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह हमको एकजुट होकर काम करना चाहिए। कुछ नया आप देखने को मिलेगा आने वाले, इंशाल्लाह। आपने खुद ही देखा जो प्रेसिडेंट साहब थे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के, इसने आपको वादा किया 170 कोचेज 170 रेफरीज मैं आपको दूंगा, वो आपने खुद ही ऊपर देखा। इन्होंने जो ऐलान किया, जो वो ऐलान ही नहीं होता क्योंकि ये एक वाहिद वो शख्सियत है जो नई बॉडी उभर के वहाँ पर आई हुई है, जिन्होंने संतोष ट्रॉफी का मैच रियाद में करवाया और वो नामुमकिन नहीं था, मान लो इनके लिए वो नामुमकिन नहीं था, इन्होंने वो करके दिखाया जो किसी ने करके नहीं दिखाया। इन्होंने एक फुटबॉल को एक अच्छा लंदन में प्रोग्राम्स करवाए, हर एक कंट्री में ये ले जाना चाहते हैं अपने इंडियन फुटबॉल को और हम भी इंडियन फुटबॉल के साथ जुड़े हुए हैं। लास्ट में एक बात को मैं यहाँ पे छेड़ना चाहूँगा, सिटी लेवल के जो फुटबॉलर्स है और विलेज लेवल के फुटबॉलर्स है, विलेज लेवल के फुटबॉलर्स का दावा है हमें वो फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, कोचिंग स्टाफ जो है वो नहीं मिल रहा है, क्या कुछ अब आने वाले? मेरे को कहने की इसके लिए ज़रूरत ही नहीं है। आपको ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट साहब ने ऊपर खुद ही कहा कि मैं विलेज लेवल में क्या करना चाहता हूं। उन्होंने आपको ये भी कहा कि आप मुझे 6 फुट 1 इंच के लड़के दे दो, 150 लड़के दे दो, मैं उनको खुद ही ग्रूम करूंगा, खुद ही ये करूंगा, खुद ही उनका सब कुछ करूंगा, तो उससे ज़्यादा बढ़ के मैं और अब क्या कह सकता हूं। उन्होंने खुद कहा कि इसमें तो विलेज शहर रहा ही नहीं, हमारा फुटबॉल इंशाल्लाह बहुत ऊंचाई और ग्लोरी बहुत ग्लोरी पे चला जाए। ये कहूँगा कि एक जमाने था जब जम्मू कश्मीर के बहुत बच्चे J&K बैंक की तरफ से ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट खेला करता था और इनके एक कुदरती देन है जो कि फिज़िकल स्ट्रक्चर एक एथलीट बिल्ड है। इनमें 6 फीट प्लस लड़के जो है कि जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। आप जानते हैं कि अभी फुटबॉल सिर्फ फुटबॉल नहीं रहा, एक खेल नहीं रहा, एक आपके मेडिकल साइंस, स्पोर्ट्स साइंस, बहुत सारे विषय इसमें जुड़ा हुआ है। मैं समझता हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के जो आम लड़के जो है, जो फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ट है, उनको हम फुटबॉल की एडवांस ट्रेनिंग करा सकते हैं और उनको किस तरह से नेशनल लेवल में खिलाया जा सके उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं समझता हूँ कि कोई भी, जैसा कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम 200 से अधिक बच्चे तरह तरह के डिस्ट्रिक्ट के मैंने देखा अभी, तो तभी आप बच्चों को अच्छा फुटबॉल सिखा सकते हो जब आपके पास अच्छा कोचेस हो। तो मैं समझता हूँ कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यहाँ पर आपको अच्छा कोचेस बनाने के लिए मदद करेगी, कोचेस एडुकेशन प्रोग्राम की व्यवस्था करेगी और आप जब प्लेयर बन जाता है उसको कंपटीशन को एक क्वालिटी कंपटीशन लाने के लिए आपको एक अच्छा रेफरीज होना चाहिए, एक ऑफिशिएटिंग मैचेस फॉर द रेफरीज। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इस पर भी मदद करेगी कि जम्मू कश्मीर से कई रेफरी भी बने आगे आए, तो कोचेस बने, रेफरीज बने और अच्छा
प्लेयर बने जो फिजिकली स्ट्रांग बिल्ट हो या तो आउटस्टैंडिंग स्किल्ड हो। मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर में बहुत संभावनाएं हैं और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के तरफ से मैं सारे कोऑपरेशन की आश्वासन देता हूँ।